हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सेवी कौन से। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम। दोस्तों घर के अंदर जो अलग अलग रूम होते हैं, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, दोस्तों इनकी मिनिमम साइज क्या होनी चाहिए, एवरेज साइज कितनी होती है और लार्ज साइज दोस्तों किसे कहा जाता है, आज की वीडियो में दोस्तों सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अनअकैडमी। दोस्तों अनअकैडमी फिर से आ गया है आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज लेके। इस बार दोस्तों स्पेशली दोस्तों इसरो एग्जामिनेशन के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों फ्री मॉक टेस्ट जो है दोस्तों अनअकैडमी की तरफ से अरेंज किया गया है आपके लिए, जिसके अंदर दोस्तों आप 22 नवंबर को पार्ट ले सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको अपने आप को एनरोल करना होगा, जिसकी लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो दोस्तों। और अगर आप दोस्तों इसमें अच्छा स्कोर करते हो तो आपको दोस्तों अनअकैडमी की तरफ से मतलब एक्साइटिंग प्राइज़ मिलेंगे, जिसकी कीमत दोस्तों 3 लाख रुपये तक की हो सकती है। और दोस्तों अगर आपको फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सेशन अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो वो उसकी जो लिंक है दोस्तों वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है, ज़रूर अपने आप को एनरोल करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप अपने आप को एनरोल कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ड्राइंग रूम, लिविंग रूम या फिर हॉल। दोस्तों घर में एंट्रेंस जो होता है वो ड्राइंग रूम, लिविंग रूम के साथ हमारा होता है, हॉल के साथ होता है। तो उसकी जो साइज़ है दोस्तों मिनिमम तो होनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। तो मिनिमम साइज़ उसकी दोस्तों 10 फीट बाय 12 फीट को तो मिनिमम होनी चाहिए अगर आप ड्राइंग रूम लिविंग रूम अपने घर में बना रहे हो। एवरेज साइज़ मतलब अच्छी साइज़ अगर आप बोले तो 12 फीट बाय 14 फीट की एक अच्छी साइज़ बोली जाती है। लार्ज जो है दोस्तों 16 फीट या 20 फीट दोस्तों अगर आपके पास एरिया अच्छा है तो आप दोस्तों साइज रख सकते हैं। उसी तरह से बेडरूम और गेस्ट रूम के लिए 10 फीट बाय 10 फीट का मिनिमम दोस्तों बेडरूम या गेस्ट रूम होना चाहिए, तभी वो अच्छा रहता है। एवरेज साइज दोस्तों 11 फीट बाय 12 फीट का आप रख सकते हैं। उसके बाद लार्ज साइज देखिए तो 12 बाय 14 फीट मैक्सिमम हो जाता है, उससे ज़्यादा अगर आपके स्पेस है तो आप बढ़ा सकते हैं। किचन में दोस्तों मिनिमम 10 फीट बाय 7 फीट का किचन अगर हो तो वो बहुत अच्छा मिनिमम माना जाता है, और 10 फीट बाय 10 फीट का मतलब एवरेज साइज उसकी है, और 10 फीट बाय 12 फीट मतलब लार्ज साइज दोस्तों हो जाती है। इससे ज़्यादा बड़ा भी किचन हमारा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद बाथरूम की बात करें तो बाथरूम जो है हमारा 3.5 फीट बाय 4 फीट का तो मिनिमम हमारा बाथरूम होना चाहिए अगर सिंगल बाथरूम आप बना रहे। एवरेज साइज 4 फीट बाय 5 फीट का एक एवरेज साइज हो जाती है, जिसके अंदर दोस्तों मैक्सिमम स्पेस आपको मिल जाता है। और लार्ज साइज 5 फीट बाय 7 फीट का अगर हो तो उसे लार्ज साइज कहा जाता है। उसके बाद टॉयलेट मतलब WC जो वाटर क्लोसेट की बात करें तो 3 फीट बाय 3 फीट का मिनिमम हमारे लिए टॉयलेट के लिए स्पेस होना चाहिए, और एवरेज साइज उसकी 4 फीट बाय 4 फीट मैक्सिमम आप रख सकते हैं। पर मैक्सिमम रखने का मतलब नहीं है, देखिए टॉयलेट के अंदर मिनिमम अगर 3 फीट बाय 3.25 फीट या फिर 4 फीट बाय 4 फीट रखेंगे तो वो दोस्तों स्पेस हमारा इनफ हो जाएगा। उसके बाद कंबाइंड बाथ WC अगर आप बना रहे तो 4 बाय 5 फीट का मिनिमम, तो मिनिमम जो अगर बात WC कंबाइंड बना रहे तो 4 बाय 5 फीट दोस्तों मिनिमम साइज़ है। एवरेज साइज़ उसकी 4 फीट बाय 6 फीट और 5 फीट बाय 7 फीट बहुत लार्ज साइज़ हो जाती है। दोस्तों कोई भी साइज़ आप ले सकते हैं, पर दोस्तों ये है 4 बाय 5 फीट मिनिमम है अगर कंबाइन आप बना रहे हो तो, ठीक है। डाइनिंग रूम की बात करें तो वो हमारा 10 फीट बाय 10 फीट राइट, 4-5 चेयर वाली जो डाइनिंग टेबल है दोस्तों इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। और 10 फीट बाय 12 फीट मतलब एवरेज साइज़ हो जाती है, मिनिमम आप अपने पास स्पेस है तो इतनी, और लार्ज में आप कितना भी लार्ज रख सकते हैं, आपकी जो फैमिली की साइज़ के हिसाब से आप लार्ज रख सकते हैं। पूजा रूम की बात करें तो पूजा रूम हमारा 4 बाय 5 फीट या फिर 4 बाय 6 फीट का बना सकते हैं राइट, उससे ज़्यादा बड़ा बनने का मतलब नहीं है। अगर बहुत एरिया आपके पास ज़्यादा है तो अलग से आप उसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं। वरांडा की बात करें तो मिनिमम विड्थ जो वरांडा की 3 फीट हो सकती है, 3 फीट से ज़्यादा भी रख सकते हैं, 4 फीट 5 फीट 7 फीट आप रख सकते हैं। लेंथ दोस्तों उसकी 10 फीट आप रख सकते हैं मिनिमम, दोस्तों उससे बड़ा भी रख सकते हैं राइट, इससे इतना उससे छोटा दोस्तों वरांडा जो है अच्छा नहीं लगता। एक कार का पार्किंग अगर आप देखें तो 11 फीट बाय 15 फीट का मिनिमम पार्किंग एरिया ज़रूरी है किसी भी कार पार्क करने के लिए, एक कार पार्क करने के लिए, और एवरेज साइज़ उसकी 12 फीट बाय 16 फीट आप ले सकते हैं, ठीक है, वन कार पार्किंग लिए। अगर दो कार है तो इसका आप डबल कर दीजिए, 22 फीट बाय 30 फीट का पार्किंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेन डोर की बात करें तो किसी भी घर का मेन डोर 3.5 फीट का तो मिनिमम होना चाहिए राइट, एवरेज साइज़ भी उसकी 3.5 फीट है, और लेंथ अगर और लार्ज साइज़ देखें तो 4 फीट का आप ले सकते हैं अगर आपका बड़ा सा बंगला टाइप घर है तो।
बाथरूम और टॉयलेट डोर की साइज करें तो वो 2.5 फीट का मिनिमम डोर होना चाहिए बाथरूम और टॉयलेट में। दोस्तों 2.5 फीट का मिनिमम डोर लगता है, स्टैंडर्ड डोर साइज भी वही है। बेडरूम डोर की साइज की बात करें तो 3 फीट का मिनिमम हमारा बेडरूम का डोर होना चाहिए। उसके बाद स्टेयर की बात करें तो स्टेयर दोस्तों मिनिमम उसकी जो लेंथ है स्टेप की वो 3 फीट होनी चाहिए, राइट। 2.5 फीट का भी बना सकते हैं अगर जगह आपकी कम है। राइजर दोस्तों 7.5 इंच होना चाहिए और थ्रेड दोस्तों 10 इंच का मिनिमम होना चाहिए। दोस्तों ये जो है वो सारी स्टैंडर्ड साइज मैंने आपको बता दी है कि हर एक रूम जो है घर के अंदर उसकी जो मिनिमम साइज क्या होनी चाहिए, एवरेज साइज क्या होनी चाहिए, लार्ज साइज क्या होनी चाहिए। दोस्तों इसी के हिसाब से अगर आप घर में प्लानिंग करें, ठीक है, तो आपका जो घर है वो कंजेस्टेड नहीं लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब छोटी छोटा सारे कंपोनेंट आपके नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हिसाब से हमें जो है घर के अंदर जो है रूम की साइज रखनी है, मिनिमम साइज ये है, एवरेज साइज ये है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप लोग जो है आपके घर के अंदर वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसका जो दोस्तों इसकी जो PDF फाइल है मैंने उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों